नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 4 जून। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में तेजी से हुआ इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए सेकंड अपडेट तक 230 नए मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 4,326 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो शिवहर में 4, कैमूर में 9, भागलपुर में 10, समस्तीपुर में 11, सीतामढ़ी में 14, बक्सर में 4, मधेपुरा में 2, मुजफ्फरपुर में 6, सहरसा में 6, बेगूसराय में 2, दरभंगा में 11, अररिया में 4, सारण में 7, खगड़िया में 85, सिवान में 2, नवादा में 4, गोपालगंज में 2, पटना में 2, कटिहार में 6, जमुई में 1, शेखपुरा में 3, लखीसराय में 5, ईस्ट चंपारण में 3, किशनगंज में 1, भोजपुर में 4, वैशाली में 1, जहानाबाद में 3, रोहतास में 2, अरवल में 3, गया में 4, वेस्ट चंपारण में 8 मामले सामने आए हैं। बिहार में अब तक कोविड-19 से ठीक हुए 2,025 मरीज। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब तक कुल मिलाकर 84,769 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से अब तक 2,025 मरीजों के ठीक होने की खबर आई है। वहीं कोविड-19 की वजह से बीते दिन बिहार में एक और व्यक्ति की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 26 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक बिहार में 4,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक के अपडेट में की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का किया अनावरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण किया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, इस मौके पर स्थानीय सांसद अजय निषाद, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। 19 जुलाई को होगा बीएड कॉलेज की प्रवेश परीक्षा का आयोजन। कोविड-19 के कारण कुछ समय के लिए स्थगित हो गई बीएड परीक्षा के आयोजन की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब परीक्षा का आयोजन 19 जुलाई को कराया जाएगा। इस बार परीक्षा का संचालन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करेगा। इसके साथ ही बीएड प्रवेश परीक्षा पटना, आरा, छपरा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत कई जिलों में आयोजित की जाएगी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, वहीं दूसरी दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में ली जाएगी। बिहार वापस लौटे श्रमिकों के घर वालों को मिलेगी शिक्षा। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण दूसरे राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के घर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को अब बिहार सरकार शिक्षा दिलवाने की सोच विचार कर रही है, जिसके तहत राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के छात्रों को नामांकन करवाने की योजना बनाई है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आए सभी छात्रों का सर्वे करवाया जाएगा और सूची तैयार करके सभी बीईओ व शिक्षा विभाग को भेजेंगे। इसके आधार पर नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने दी है। बिहार के कुछ जिलों में बारिश के बढ़े आसार तो कुछ जिलों में बढ़ेगी गर्मी। बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र के कारण चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रबल होने की आशंका जताई गई है, जिसकी वजह से बिहार के अरवल, जहानाबाद, सिवान, छपरा, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी और शहर में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 5 जून तक 28 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तेजी से पारा चढ़ने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान बिहार के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे तो कहीं कहीं गर्मी भी देखने को मिलेगी। कैमूर के युवक ने 1 मिनट में लोहे के 24 सरिया मोड़कर गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम। बिहार के कैमूर जिले के एक युवक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। बिहार के रहने वाले हैमरहेड मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने सिर्फ 1 मिनट में लोहे के 24 सरिया को अपने सिर से मोड़ दिया है। धर्मेंद्र इससे पहले भी अपने सिर की मजबूती के लिए पूरे देश में विख्यात है और वह कच्चा नारियल और बेल को अपने सिर पर ऐसे तोड़ते हैं जैसे कोई टमाटर हो, इसीलिए धर्मेंद्र को कोई लोग हैमर हेड मैन के नाम से भी बुलाते हैं। इतना ही नहीं, अपना रिकॉर्ड बनाते हुए बीते दिन धर्मेंद्र त्रिपुरा में गिनीज बुक के प्रतिनिधि की मौजूदगी में विश्व रिकॉर्ड का ऑनलाइन फाइनल टच दे रहे कीर्तिमान बनाया है और 12 mm की 24 सरिया को अपने सिर पर रखकर हाथ से मोड़ दिया है। वर्क एडजस्टेड के बाद ही सड़कों पर उतरे शिक्षकों का वेतन देने का जारी किया गया आदेश। कुछ महीने पहले अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी थी, जिसके बाद सरकार के समझाने के बाद सभी शिक्षकों ने अपनी मांग को वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार ने भी उन सब पर दर्ज मामले को वापस ले लिया था। लेकिन सड़कों पर उतरी अवधि के भी सैलरी की मांग की जा रही है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को सड़कों पर उतरने की अवधि का पैसा तभी मिलेगा जब वर्क एडजस्ट किया जाएगा, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब शिक्षकों को संडे को भी काम करना होगा, उसके बाद ही उन्हें पैसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की कोविड-19 के इस माहौल में गांव वालों और पुलिस बल की सराहना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के इस माहौल में सभी ग्रामीण लोगों की और साथ ही पुलिस प्रशासन की भूमिका की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत और नगर निकायों के प्रतिनिधियों से बात की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग कोविड-19 के इस माहौल में बखूबी देखने को मिला है। इतना ही नहीं, हमारे गांव के लोगों ने भी इतनी जागरूकता दिखाई है, उन्होंने किसी बाहरी को गांव में आने नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई सारे गांव में कोविड-19 नहीं पहुंच पाया।
फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद भी यात्रा करने से हिचकिचा रहे हैं लोग। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच जहां अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए विमानों की आवाजाही की अनुमति दे दी गई है, जिसके बावजूद लोगों के बीच अभी भी विमान में सफर करने को लेकर हिचकिचाहट देखने को मिलती है। और यही कारण है कि बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। बिहार में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत 25 मई से की गई थी, जिसमें बिहार आने वाले लोगों ने तो दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम है। आंकड़ों के अनुसार 25 से 30 मई तक 13,062 यात्रियों ने पटना की यात्रा की, जबकि पटना से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या इसके आधी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार दाने दाने को है मोहताज। कोविड 19 की वजह से वर्तमान समय में बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार भी दाने दाने को मोहताज हो गया है। परिवार के सामने भूखे दिन गुजारने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 60 के दशक में बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भोला पासवान शास्त्री के परिवार की है, और बिहार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान के परिवार की जिंदगी भी कोविड 19 के कारण जैसे तैसे कट रही है। बंद के कारण कामकाज ठप पड़ा है और खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मुश्किल से दिन भर एक बार खाना मिलता है। आपको बता दें, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। 1968 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि उन्होंने 1984 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। बीएमपी के क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बीएमपी के कई जवानों में कोविड 19 संक्रमित पाए जाने के बाद बीते दिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अचानक बीएमपी 5 स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कोविड 19 से ठीक हो चुके बीएमपी के जवानों का हालचाल जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पहुंचकर सेंटर पर सुविधाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में महिला जवानों के बगल में रह रहे जवानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश भी जारी किया गया है। भाजपा के बदले वर्चुअल रैली की तारीख पर अब राजद मनाएगी गरीब अधिकार दिवस। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की तारीख को 9 जून से बदलकर 7 जून तक करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद अब राजद ने भी अपनी गरीब अधिकार दिवस का आयोजन 7 जून को ही करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कहा गया है कि भाजपा ने तेजस्वी यादव की डर से अपने वर्चुअल रैली की तारीख बदली है, लेकिन अब हम लोग भी अपने कार्यक्रम का आयोजन 7 जून को ही करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से की खास अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से घर से बाहर निकलने के बाद मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, क्योंकि बीते दिन से अनलॉक 1 के प्रावधानों को लागू किया गया था। ऐसे में कोविड 19 के फैलने के आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के प्रतिनिधियों से बात की है और कोविड 19 से बचाव को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान में सहयोग देने की अपील भी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आइसोलेशन सेंटर में बेड की संख्या 40,000 करने का भी आदेश जारी किया है। भाजपा की वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने 5 सदस्यीय टीम का किया गठन। कोविड 19 के इस माहौल में इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसको सफल बनाने के लिए बिहार में भाजपा की टीम में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसके तहत भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी ने इस जनसंवाद को सफल तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए इस टीम का गठन किया है, जो 72,000 बूथों पर प्रसारण का मैनेजमेंट संभालेंगी। 8 सूत्री मांग को लेकर सड़कों पर उतरे जीतनराम मांझी। अपने वादे के अनुसार बीते दिन हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने 8 सूत्री मांगों को लेकर अपना विरोध दिखाया है, जिसके बाद जीतनराम मांझी ने बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में फैले खराब व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा है। साथ ही सरकार से मांग की है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया करवाया जाए। वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने की भी मांग की गई है। हालांकि जीतनराम मांझी की मांग पर अभी सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रक्रिया देखने को नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर में थाईलैंड के सेब से लदे पेड़। लीची की नगरी के नाम से मशहूर मुजफ्फरपुर में अब थाईलैंड से आए वाटर एप्पल के फल भी पेड़ पर दिखाई देने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के इस क्षेत्र में 3 पौधे लगाए गए थे, जिनमें फल आने शुरू हो गए। इन तीनों में लगे हुए फल के बेहतर आकार को देखकर निदेशक अनिल कुमार ने अपने प्रयोग को सफल बताते हुए वाटर एप्पल को यहां के वातावरण, जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देने के अनुकूल बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले महीने से इसके पौधे को अपने यहां लगाने के लिए आम किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि का अनुमान भी लगाया गया है। कोविड 19 से बिहार में राहत पहुंचाने के लिए नीतीश सरकार ने खर्च किए हजारों करोड़ रुपए। जहां एक तरफ विपक्षी दल बार बार कोविड 19 के इस माहौल में सरकार को विफल बता रही है, वहीं सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते जा रही है। कोविड 19 के इस माहौल में सरकार ने अब तक आम नागरिकों की मदद के लिए 8,538 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए लोगों के लिए सरकार द्वारा औसतन प्रति व्यक्ति 5,300 रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। इसके साथ ही उन्होंने राशन कार्डधारियों को और राशन कार्ड के लिए चयनित परिवारों को भी प्रति परिवार 1,000 की राशि देने की बात कही है।
विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने कही अपनी बात। बीते दिन विश्व साइकिल दिवस के मौके पर राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिली, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी साइकिल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लोगों को बधाई दी और लिखा कि रास्ते में रोककर दम ले लूं यह मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई मिले ना मिले जनहित में मुझे रुकना नहीं, चलते जाना है चलते जाना है। सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही नहीं बल्कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके देशवासियों को विश्व साइकिल दिवस की बधाई दी है। साथ ही शुद्ध पर्यावरण के लिए साइकिल को बढ़ावा देने की बात कही है। जदयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया बरसाती मेंढक। जदयू नेता और सांसद ललन सिंह ने बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने तेजस्वी यादव को नासमझ करार दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया था कि ना किसी को बचाया जाता है ना किसी को फंसाया जाता है, हर बात पर राजनीति सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजद वर्तमान समय में बरसाती मेंढक की तरह है, जो चुनाव के बाद सब कुछ भूलकर हाइबरनेशन में चली जाएगी। वहीं चुनाव का समय आते ही यह लोग बाहर निकलकर हर बात पर राजनीतिकरण करते नजर आएंगे। दिल्ली से सांसद संजय सिंह द्वारा 33 बिहारी मजदूरों को हवाई जहाज से भेजने के फैसले की केजरीवाल ने की सराहना। कोविड-19 के बढ़ते माहौल में जगह जगह पर फंसे बिहारी मजदूरों की मदद कोने कोने से की जा रही है। वहीं इसी क्रम में बीते दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज के जरिए उनके घर भेजने का ऐलान जारी किया था, जिसके तहत संजय सिंह ने एक सांसद के तौर पर एक साल में मिलने वाली 33 हवाई टिकट बिहारी प्रवासी मजदूरों के नाम कर दी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके इस फैसले की सराहना की है। साथ ही ट्वीट करके उनकी खूब सारी तारीफ भी की है। वहीं बीते दिन पटना में पहुंचे लोगों ने प्रशंसा भी जाहिर की है। पूर्णिया में जा प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार को सुनाई खरी खोटी। कोविड-19 समेत कई दूसरे मामलों को लेकर जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने बुधवार को पूर्णिया के अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार और उनके अधिकारी कोविड-19 के इस माहौल में पूरी तरह विफल साबित हुए। सरकार करोड़ों का मनभावन लॉलीपॉप दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि अब बिहार जाग चुका है, पैसे पर वोट खरीदना संभव नहीं है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की जगह ठेंगा दिखाकर अपना जवाब जरूर देगी। SBI में खाता खुलवाने वालों को लगा झटका। SBI में खाता खुलवाने वालों को करारा झटका लगा है, क्योंकि बीते दिन सरकारी बैंक SBI ने बचत खाते पर ब्याज दर घटाने का फैसला किया है। इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। बैंक की तरफ से आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाते पर सालाना ब्याज दर 0.05% घटाकर 2.70% कर दिया गया है। इससे पहले बैंक में FD पर ब्याज दरें घटा दी गई है। इतना ही नहीं, अप्रैल महीने में भी सेविंग खातों पर ब्याज दरों को कम कर दिया गया है। अप्रैल में भी बैंक ने बचत खाते में ब्याज दर को घटाकर 0.25% से 2.75% कर दिया था। रिमूव चाइनीज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किया गया रिमूव। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बाद सभी देश चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट करने में लगे हुए थे। इसी क्रम में भारतीय नागरिक भी चाइनीज ऐप को ज्यादा से ज्यादा हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच गूगल प्ले स्टोर पर रिमूव चाइनीज ऐप को हाल ही में रोल किया गया था, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर में इस ऐप को बीते दिन सुबह में अपने फीचर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि गूगल प्ले स्टोर ने अभी तक रिमूव करने की कोई खास वजह नहीं बताई है, मगर अब यह ऐप इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। मोहम्मद शमी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ बिताई रात का किया खुलासा। कोविड-19 के इस माहौल में सभी क्रिकेटर मैदान से बाहर चल रहे। इसी क्रम में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हाल ही में लाइव चैट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी कई सारी बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मेरे पास उनकी बहुत सी याद है। हम अभी सोचते हैं कि माही भाई आएंगे और खेलने में मजा आएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि धोनी हर किसी के साथ बैठना और डिनर करना पसंद करते थे। उनके साथ हमेशा 2-4 लोग होते थे और हम देर रात तक बात करते थे, और यही सब चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दुर्गेश कुमार यादव, उपेंद्र कांति, मुन्ना कुमार, रंजीत मेहता, सुरेश शर्मा, अर्चना कुमारी, मोहम्मद आलम, कमरुल हक, पंकज कुमार, राकेश वर्मा, यदुवंशी, अभिषेक कुमार, अवधेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, नंदन कुमार, अनुप्रिया ऑफिशियल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड-19 के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच आपके अनुसार क्या विधानसभा चुनाव का आयोजन समय पर हो पाएगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।